राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाया है। यूपी में विधानसभा सत्र शुरू होने के ठीक 19 घंटे पहले अखिलेश ने सबको चौंका दिया। अखिलेश ने पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक के बाद अब ब्राह्मण कार्ड चला है। 81 साल के माता प्रसाद पांडे विधानसभा में सत्ता पक्ष का मुकाबला करेंगे। वह सिद्धार्थनगर की इटवा सीट से विधायक हैं। 7 बार विधायक रह चुके हैं, 2 बार विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं। अखिलेश के कन्नौज से सांसद चुने जाने के बाद से विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद खाली था। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, सपा मुखिया अखिलेश यादव ने पिछड़ों दलितों को धोखा दिया है। सपा के पीडीए का मतलब बहुत बड़ा धोखा है। भाजपा 2027 में 2017 की विजय दोहराएगी। अखिलेश ने अमरोहा सीट से विधायक महबूब अली को, अधिष्ठता मंडल मुरादाबाद की काट सीट से विधायक कमाल अख्तर को मुख्य सचेतक और प्रतापगढ़ से विधायक राकेश कुमार उर्फ आरके वर्मा को विधानसभा का उप सचेतक बनाया है। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।